हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू जनपंगी एजुकेशन हब। आज है 13 जनवरी। आज मैंने जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डाले वो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण जो अधिनियम है वो 1900 में पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की स्थापना जो है वो सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, ये है सरदार पटेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 12 दिसंबर को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय जो तटस्थता दिवस है 12 दिसंबर को आयोजित एक संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त दिन है। यह पहली बार 12 दिसंबर 2017 को बनाया गया था। ठीक, पहली बार 12 दिसंबर 2017 को बनाया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, FICCI द्वारा 2020 महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एलावेनिल वलारिवन, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये है एलावेनिल वलारिवन। ठीक, ये एक निशानेबाज है। ठीक है, अब बात करते हैं FICCI ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक, इसके जो फाउंडर है वो है घनश्याम दास बिरला। ठीक, घनश्याम दास बिरला इनके फाउंडर है। ठीक, ये है घनश्याम दास बिरला। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1927 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है भले ही वह सदस्य ना हो? इसका जो राइट आंसर होगा वो है भारत का महान्यायवादी, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या हुआ, संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो भारत के अटॉर्नी जनरल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त न्यायाधीश के लिए योग्य हैं। वह सरकार को कानूनी मामले पर सलाह देता है और उसे भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। राज्यसभा और लोकसभा की जो कार्रवाई है उसमें और संयुक्त बैठक में भाग लें, लेकिन साथ ही वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और वोट नहीं डाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल एक डेस है। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है, समन्वय और परिवेक्षी प्राधिकरण, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 73वां जो संविधान है, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन भारत में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना करता है। ग्राम पंचायत, मध्यवर्गी मध्यवर्ती और जिला संगठन के 3 स्तर है। मध्यवर्ती जो स्तर जो मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों के पर्यवेक्षक के रूप में काम करते हैं और जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच समन्वय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 ईसा पूर्व के समय दुनिया की आबादी कितनी थी? 10,000 ईसा पूर्व के समय दुनिया की आबादी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, यानी ऑप्शन डी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व के दौरान दुनिया की आबादी लगभग 1 मिलियन थी। नेशनल ज्योग्राफी के आंकड़ों का कहना है कि 5000 ईसा पूर्व के दौरान विश्व की जो जनसंख्या है 1 मिलियन से बढ़कर 5000 ईसा पूर्व के दौरान 5 मिलियन हो गई। पृथ्वी पर अपनी पहली बिलियन आबादी तक पहुंचने के लिए समय 1830, ठीक, 1830 का जो समय था उसके आसपास में था। ठीक, ईस्वी के आसपास में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट किसके बीच स्थित है? कोकोस प्लेट जो होता है वो
मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होने वाला तत्व है, कौन सा तत्व है मानव के पसीने से उत्सर्जित होने वाला? इसका जो राइट आंसर होगा वो है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित तत्व एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, हम कुछ कह नहीं सकते। पसीना ज़्यादातर पानी होता है, ठीक। पानी में भंग जैसे खनिजों हो गया, लैक्टिक एसिड और यूरिया की मात्रा का पता लगा रहे हैं, ठीक, अभी के टाइम। हालांकि खनिज सामग्री बदलती रहती है, कुछ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ठीक है। कई अन्य ट्रेस तत्व भी पसीने में उत्सर्जित होते हैं, जैसे जस्ता, तांबा, लोहा, क्रोमियम, निकिल और सीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? नीला विट्रियोल का जो रासायनिक नाम है वो है कॉपर सल्फेट, ठीक है। इनकी ऑप्शन सी जो होता है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नीला विट्रियोल इसका जो रासायनिक नाम होता है वो है CuSO4, ठीक है। इसका रासायनिक रूप जो होता है CuSO4 होता है। विट्रियोल सल्फेट के लिए एक पुरातन नाम है जैसे नीला स्टोन, ठीक, ये एक सामान्य नाम है। और है सोडियम सल्फेट, सोडियम जो सल्फेट है इसका उपयोग डिटर्जेंट के निर्माण और पेपर पुलिंग की क्राफ्ट प्रक्रिया में किया जाता है, ठीक। निकिल सल्फेट, निकिल सल्फेट का उपयोग अन्य निकिल यौगिक को बनाने के लिए किया जाता है। यह धातुओं की वस्तुओं पर निकिल के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी उपयोग किया जाता है, ठीक। आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट का उपयोग खाद्य पदार्थों को मजबूत करने और आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के उपचार और रोकथाम के लिए किया जाता है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का उपयोग जो है हमें आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। और जो कॉपर सल्फेट है वो कृषि में रोगजनक से वो फसलों की रक्षा करते हैं, ठीक। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आज के जो भी क्वेश्चन है मैंने PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाके भी उसे देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।